बहुत से लोग मोना को दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग समझते हैं हकीकत में ऐसा नहीं है मोनालीजा दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग्स में से टॉप थ्री में भी नहीं आती दुनिया की सबसे महंगी तरीन पेंटिंग सेल्वाडोर मुंडी जो कि साढ़े चार सौ मिलियन डॉलर की है आज से चंद साल कबल एक अरबी शहजादे ने ख़रीदी थी मोनालीजा के बारे में बहुत से अजीब हक़ाक़ और अजीब बातें गर्दिश में रहती हैं मोना बेशुमार दफ़ा चोरी हुई और बेशुमार कॉपीज़ भी इसकी बनी इस वक्त ये पेरिस के लू म्यूज़ियम में पड़ी है मोनालीजा के तख्लीकार के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़ा ज़हन इंसान था लियोनार्डो डाविनची वो एक साइंटिस्ट था मैथेमटिशन था वो एक आर्टिस्ट था पेंटर था आर्किटेक्ट था वो बड़ा ही जहन इंसान था बिलाशुबा मैं ख़ुद भी उसकी ये जो ख़ूबियाँ हैं इस पर नाजा हूँ और इस पर मैं बड़ा उसका आ, जो है मैं एडमायर करता हूँ उसकी इन तमाम खूब ख़ूबियों को मोनालिजा पेंटिंग के बारे में ये कहा जाता है कि जब मोनालिजा लियोनाडो डाविनची के सामने इसका नाम मोनालिजा नहीं कुछ और नाम था ये लियोनाडो डाविनची के सामने जब बैठती थी, थी तो ये भी इम्कान है कि उसने अपने आईब्रोज अरेज किए हुए थे क्योंकि मोनालिजा पेंटिंग के अंदर आईब्रोज नहीं हैं और ये भी कहा जाता है कि हो सकता है कि लियोनाडो डाविनची ने आईब्रोज जानबूझ के ना बनाए हों और ये भी हो सकता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो जो पेंटिंग को साफ वग़ैरह करते हैं तो उससे उसके आईब्रोज़ ऑटोमेटिकली इरेज हो गए यही कुछ बातें थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अपना बहुत सा ख्याल रखें